हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स अन्नपूर्णा किचन। आज हम पालक पनीर बनाएंगे। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, जो हमने अच्छी तरह से काट लिए हैं। 10 से 12 गार्लिक है, 2 टमाटो है, हरी मिर्च ली है हमने, अदरक लिया है, पनीर लिया है, क्रीम लिया है हमने, जीरा लिया है, हल्दी, गरम मसाला, काजू लिए हैं 7 से 8 नंग, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है और पानी देखिए हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमें पानी में पालक को उबालना नहीं है, हमें सिर्फ ब्लेंच करना है। अभी ये उबलते पानी में मैंने अच्छी तरह से पालक को धो लिया है और हम इसमें डाल देंगे। गैस हमारा बंद है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसी पानी में उबलते छोड़ देंगे ढक के। अब इसे हम अच्छी तरह से ढक देते हैं 2 मिनट। अब हमने ये ब्लेंच कर लिया है पालक को और इसके ऊपर हमने 2 ग्लास ठंडा पानी डाल दिया है, जिससे कुकिंग प्रोसेस उसका बंद हो जाए और हमारी ग्रेवी जब बनाएंगे वो भी हरी अच्छी तरह से दिखेगी। आइए अब हम आगे प्रोसीजर करते हैं। अभी हमने गैस शुरू कर दिया है और पैन रख दिया है इसके ऊपर। अभी हम इसमें तेल डालेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, तो बस मीडियम पे गैस रखेंगे हम और देख लेते हैं तेल गरम हुआ। अब इस समय हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तब तक उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे थोड़े नरम होने तक पकाएंगे। अब हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इस समय गैस अपना बंद कर देंगे। अब हमने ये पालक और ये जो हमने टमाटो का बनाया है वो इकट्ठा ही मिक्सर में पीस लेंगे। हमने मिक्सर जार में पालक और ये जो टमाटो और प्याज हमने जो अभी फ्राई किया वो इकट्ठा ही एक साथ पीस लेंगे मिक्सर में। देखिए हमने इस तरह से पेस्ट बना ली है मिक्सर में। आइए अब हम आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब हम तेल डालेंगे इसमें और 1 चम्मच हमने बटर लिया है और इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे। अब हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है, थोड़ा बाकी है। अब हम इस समय जीरा डाल देंगे।
गैस हमने अभी स्लो रखा है बिल्कुल। अब हमारा जीरा थोड़ा सा चटक जाने पर अभी हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अभी हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और गरम मसाला। सारे अच्छी तरह से तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे मसाले सारे। हम अब हमने जो पालक की ग्रेवी बनाई है वो इस समय हम ऐड कर देंगे इसमें। देखिए अब हम इसमें अच्छी तरह से सारी ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अगर हमें इस समय ऐसा लगे कि हमारी ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। काफी गाढ़ी लग रही है हमें ग्रेवी। अभी हम अच्छी तरह से इसे उबलने देंगे। अब हम क्रीम डालेंगे इसके अंदर। और इसी समय हमने जो पनीर के टुकड़े काट लिए हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब 2 मिनट हम अच्छी तरह से इसे हिलाएंगे और 2 मिनट हम गैस चालू रखेंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे गैस। अब इसी समय हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। आइए अब हमारी सब्जी बनके रेडी है, हम सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।